أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم class 2 how are you all I hope you will be fine and safe at home in our last class we had learned about birds look at the book open your book page number 55 Okay, students, let's start reading animals. In this lecture, we are reading about water animals. Animals also live in the water. पानी में ऐसे भी जानवर होते हैं जो पानी में सिर्फ रहते हैं उन कौन कौन से होते हैं Fishes, crabs, seals and sea horses are some of the animals that live in वाटर यानी कछुए मछलियाँ सील्स और जो समुद्री घोड़े होते हैं वो पानी के जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं द कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश आर यानी जो मछली होती है उसमें जो नुमाया खसूसियात होती हैं कॉमन जो आम होती हैं आमतौर पर पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं वो होती हैं फिशेज हैव फिन्स टू स्विम विद यानी ऐसे पर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो पर उस तरह के पार नहीं होते जिस तरह से परिंदों के पार होते हैं लेकिन इसके अपने एक नेचुरल किस्म के इस तरह के पार होते हैं जो उसे स्विम करने में हेल्प करते हैं ठीक है बेटा दे आर स्केल्स दैट प्रोटेक्ट देयर बॉडीज और इनके जिस्म के ऊपर ऐसे छिलके होते हैं जो उनके जिस्म को महफूज रखते हैं हर तरह की मतलब चोट खाने से या किसी चीज़ से भी वो प्रोटेक्ट करते हैं Fish have gills on both sides. Gills कहते हैं गुलफड़ों को जिनसे वो सांस लेती है इंसान जो है वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं लेकिन जो फिशेज होती हैं वो गिल्स होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर बॉडी देयर हेड्स अपने सर के दोनों साइडों पे उसके गिल्स होते हैं गिल्स हेल्प द फिश टू ब्रीथ इन वाटर ये गिल्स जो हैं वो पानी के अंदर फिश को मछली को सांस लेने में मदद करते हैं सम मैमल्स सच एज वेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन द सी अब जो है ना देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि आपको कुछ फिशेस नज़र भी आ रही हैं मैमल्स जो बच्चे देती हैं और दूध पिलाने वाली मछलियाँ में होती है वो वेल मछली होती है वेल और डॉल्फिन ये दोनों मछलियाँ और इसके ये पानी में रहती हैं अब देखें लुक एट दिस पिक्चर ये पिक्चर में इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे भी डिस्क्राइब करती हूँ और ये देखें ये आपको इसमें टर्टल्स कछुआ नज़र आ रहा है फिश है फिशेज हैं स्टिंग्रे फिश है ये वो धुमदार इस धुम के धुम पे कांटे होते हैं ये वो मछली होती है ठीक है बेटा लेट्स सी ऑन द बोर्ड लुक एट दिस पिक्चर दिस इज फिश गिल्स बोथ साइड्स ऑफ फिश हेड हैव गिल्स यानी ये इनके ज़रिए सांस लेती है ठीक है ये देखिए ये इसकी बॉडी के ऊपर वो स्केल्स यानी वो छिलके होते हैं कभी आपने फिश देखी है ना पापा घर में लाते हैं तो देखिएगा उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं वैसे तो वो फिर उनको उतार के फिर उनको फ्राई करके खाते हैं लुक एट दिस फिन्स ये इसके फिन्स हैं ठीक है ये फिन्स हैं जिससे वो स्विम करती है पानी के अंदर तैरती है ओके Let's start reading another look at the page number 56 animals need shelter यानी अब हम animals के बारे में पढ़ेंगे कि वो उनको shelter की क्यों ज़रूरत होती है वो हम पढ़ते हैं many different animals roam around freely in nature एनिमल्स जो हैं वो क्यों आज़ादी से जो है वो घूमते रहते हैं इधर उधर मुख्तलिफ एनिमल्स हमें नज़र आते हैं दे आर वाइल्ड एनिमल्स ये जंगली जानवर होते हैं सम ऑफ देम लिव इन जंगल्स इनमें से कुछ जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं सम लिव इन फील्ड्स मैदानों में रहते हैं कुछ जानवर सम लिव इन वाटर और कुछ जानवर पानी में रहते हैं वाइल्ड सम फ्लाई इन द एयर और कुछ जो है वो हवा में प्रवास करते हैं एनिमल्स सच एज लॉयन टाइगर हॉर्सेज डियर एंड एलिफेंट्स लिव ऑन लैंड ये जो एनिमल्स पिक्चर में शो हो रहे हैं लुक एट द पिक्चर ये सारे कहाँ रहते हैं ये ज़मीन पर रहते हैं ठीक है बेटा लैंड एनिमल्स लिव इन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर, ये जो जानवर ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं इनके जो रिहायशगाह है वो मुख्तलिफ होती है, यानी रहने की जगह मुख्तलिफ होती है। दे ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर दे कैन बी सेफ फ्राम देयर एनिमीज एंड देयर वेदर एंड द वेदर, यानी ये ऐसी जगह तलाश करके कोशिश करते हैं रहने के लिए जहाँ पर ये दुश्मनों से और मौसम से महफूज रह सकें। दे आल्सो नीड शेल्टर टू कीप देयर एग्स आर बेबी सेफ, और ये शेल्टर उन्हें क्यों ज़रूरी होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को और अपने अंडों को भी महफूज रखना चाहते हैं। सन एनिमल्स लाइक टाइगर्स बियर्स एंड लॉयन फाइंड अ सेफ नेचुरल प्लेस लाइक अ केव और टू लिव, अ लाइन लिव इन अ डैन। अब ये देख सकते हैं आप ये पिक्चर में कि लाइन जो है वो कहाँ रहता है, डैन में रहता है। और ये देखिए रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट लिव्स इन बरोज। लुक एट दिस स्नैक, स्नैक लिव इन होल। लुक एट दिस एलिफेंट, डियर ये कहाँ रहते हैं, अंडर द ट्री। सम एनिमल्स लिव इन अंडर द ट्री। लुक एट दिस, दीज आर बर्ड्स, बर्ड्स लिव इन नेस्ट। एंड ईगल, ईगल नेस्ट बिटवीन रॉक्स, ये उन दो पहाड़ों के दरमियान जो बीच वाला तंग रास्ता होता है ये वहाँ पे ऊंचाई पे ऊंची जगह पे ये अपना घर बनाती है। ये देखें ये क्या है, एंट्स, एंट्स लिव इन कॉलोनीज, ये ज़मीन के अंदर छोटे छोटे होल्स यानी सुराख बना के अंदर घर बनाती हैं, एक जगह इकट्ठी होकर रहती हैं। और दीज आर हनी बीज, देखें हनी बीज लिव इन बी हाइव्स, ये अपना घर दरख्त के ऊपर किसी जगह पे छत्ता बना के रहती हैं जहाँ ये शहद बनाती हैं। ये देखें सम एनिमल्स लिव इन नियर और नियर वाटर लाइक फिशेज क्रैब्स फ्रॉग्स, ये देखें ये वो एनिमल्स हैं जिन जो पानी के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, यानी पानी के अंदर और नज़दीक, जैसे फ्रॉग्स, फ्रॉग्स हो गए, क्रैब्स हो गए ये, और फिशेज तो पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आज का लेसन है, प्लीज़ लर्न दिस थ्री पेजेस फ्रॉम 56, 57 एंड 58 इन होम मस्ट रीडिंग ट्वाइस अ डे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये देखें ये आपको इसमें टर्टल्स कछुआ नज़र आ रहा है, फिश है, फिशेज हैं, स्टिन ग्रे फिश है, ये वो धुमदार, इस धुम के धुम पे कांटे होते हैं, ये वो मछली होती है। ठीक है बेटा, लेट्स सी ऑन द बोर्ड, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज फिश गिल्स, बोथ साइड्स ऑफ फिश हेड हैव गिल्स, यानी ये इनके ज़रिए सांस लेती है। ठीक है, ये देखिए ये इसकी बॉडी के ऊपर वो स्केल्स यानी वो छिलके होते हैं, कभी आपने फिश देखी है ना, पापा घर में लाते हैं तो देखिएगा उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, वैसे तो वो फिर उनको उतार के फिर उनको फ्राई करके खाते हैं। लुक एट दिस फिन्स, ये इसके फिन्स हैं, ठीक है, ये फिन्स हैं जिससे वो स्विम करती है, पानी के अंदर तैरती है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अनदर लुक एट द पेज नंबर 56, एनिमल्स नीड शेल्टर, यानी अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो उनको शेल्टर की क्यों ज़रूरत होती है, वो हम पढ़ते हैं। मैनी डिफरेंट एनिमल्स रोम अराउंड फ्रीली इन नेचर, एनिमल्स जो हैं वो क्यों आज़ादी से जो है वो घूमते रहते हैं इधर उधर, मुख्तलिफ एनिमल्स हमें नज़र आते हैं। दे आर वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवर होते हैं, सम ऑफ देम लिव इन जंगल्स, इनमें से कुछ जानवर जो हैं वो जंगल में रहते हैं, सम लिव इन फील्ड्स मैदानों में रहते हैं कुछ जानवर, सम लिव इन वाटर, और कुछ जानवर पानी में रहते हैं, वाइल्ड सम फ्लाई इन द एयर, और कुछ जो है वो हवा में प्रवास करते हैं। एनिमल्स सच एज लॉयन टाइगर हॉर्सेज डियर एंड एलिफेंट्स लिव ऑन लैंड, ये जो एनिमल्स पिक्चर में शो हो रहे हैं, लुक एट द पिक्चर, ये सारे कहाँ रहते हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है बेटा, लैंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर, ये जो जानवर ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं इनके जो रिहायशगाह है वो मुख्तलिफ होती है, यानी रहने की जगह मुख्तलिफ होती है। दे ट्राई टू फाइंड प्लेस
वेयर दे कैन बी सेफ फ्राम देयर एनिमीज एंड देयर वेदर एंड द वेदर, यानी ये ऐसी जगह तलाश करके कोशिश करते हैं रहने के लिए जहाँ पर ये दुश्मनों से और मौसम से महफूज रह सकें. दे आल्सो नीड शेल्टर टू कीप देयर एग्ज आर बेबी सेफ. और ये शेल्टर उन्हें क्यों ज़रूरी होता है, और ये शेल्टर उन्हें क्यों ज़रूरी होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को और अपने अंडों को भी महफूज रखना चाहते हैं. सन एनिमल्स लाइक टाइगर्स बियर्स एंड लॉयन फाइंड अ सेफ नेचुरल प्लेस लाइक अ केव और टू लिव. अ लाइन लिव इन अ डैन. अब ये देख सकते हैं आप ये पिक्चर में कि लाइन जो है वो कहाँ रहता है, डैन में रहता है. और ये देखिए रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट लिव्स इन बरोज. लुक एट दिस स्नैक, स्नैक लिव इन होल. लुक एट दिस एलिफेंट, डियर ये कहाँ रहते हैं, अंडर द ट्री. सम एनिमल्स लिव अंडर द ट्री. लुक एट दिस, दीज आर बर्ड्स, बर्ड्स लिव इन नेस्ट. एंड ईगल, ईगल नेस्ट बिटवीन रॉक्स. ये दो पहाड़ों के दरमियान जो बीच वाला तंग रास्ता होता है, ये वहाँ पे ऊंचाई पे ऊंची जगह पे ये अपना घर बनाती है. ये देखें ये क्या है, एंट्स, एंट्स लिव इन कॉलोनीज. ये ज़मीन के अंदर छोटे छोटे होल्स यानी सुराख बना के अंदर घर बनाती हैं, एक जगह इकट्ठी होकर रहती हैं. और दीज आर हनी बीज, ठीक है, हनी बीज लिव इन बी हाइव्स. ये अपना घर दरख्त के ऊपर किसी जगह पे छत्ता बना के रहती हैं जहाँ ये शहद बनाती हैं. ये देखें सम एनिमल्स लिव इन नियर और नियर वाटर लाइक फिशेज क्रैब्स फ्रॉग्स. ये देखें ये वो एनिमल्स हैं जिन जो पानी के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, यानी पानी के अंदर और नज़दीक, जैसे फ्रॉग्स, फ्रॉग्स हो गए, क्रैब्स हो गए ये, और फिशेस तो पानी के अंदर रहती हैं. ठीक है बेटा, ये आपका आज का लेसन है. प्लीज़ लर्न दिस थ्री पेजेस फ्रॉम 56, 57 एंड 58 इन होम. मस्ट रीडिंग ट्वाइस अ डे. ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.